मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी प्रवीण कुमार केवी कैंपस के शानदार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लॉक, जिससे मैंने कहा था कि एसएससी रेलवे और सीपीयू एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपकी प्रॉब्लम होगी क्लॉक से रिलेटेड वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने लेके आया हूँ टाइप वन, यानी फाइंड द एंगल। आप इसको कह सकते हैं कि समय दिया रहेगा और उसको एंगल निकालना है। कैसे? जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को समझो कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बन के आता है। 8:20 पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है? क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन जो दिया गया है 8:20 दिया गया है। यहां वो 8:20 दे सकता है, 10:55 दे सकता है, 8:24 दे सकता है, यानी टाइम कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और उस टाइम को देने के बाद आपसे पूछेगा कि इस टाइम पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो मैंने पहले ही कहा कि किसी भी चीज को सॉल्व करने के पहले आपको सीखना है कंसेप्ट। जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ट्रिक के बेस पर सिर्फ आप क्वेश्चन को देखते जा रहे हो, करते जा रहे हैं, तो जब एग्जामिनर आपका कॉमन सेंस चेक करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा भी आगे पीछे करेगा तो सारा का सारा आपका ट्रिक वहीं रखा रह जाएगा। इसलिए हम ट्रिक तो यूज करेंगे ही करेंगे क्योंकि रीजनिंग ट्रिक के बेस पर पढ़ना है, लेकिन कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है। तो मैं कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ एंगल से रिलेटेड। पहले उस कंसेप्ट को ध्यान से देखो और कंसेप्ट को देखने के बाद जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आपके सामने होगा और आप कहेंगे कि सर आपने जो कंसेप्ट बताया है वही सारा चीज़ आप क्लियर यहाँ दिख रहा है। तो चलो इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। इसको मिटा रहा हूँ, पहले कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट पर ध्यान देना है और फिर इस क्वेश्चन पे पहुँचना है आपको। क्लियर है? तो चलो मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ। बस ध्यान रखना कि मैंने क्वेश्चन को कैसे नोट किया है। आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के और फिर मेरे साथ आप हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आइए, कंसेप्ट क्या कहता है पहले कंसेप्ट सीखो। हमसे कहा गया है कि 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले समझो कि एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन के आते हैं उसमें कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिसको आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को ध्यान रखते हैं तो फिर आगे आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलो कह रहे 8:20, 8:20 का मतलब क्या होता है पहले समझो। 8:20 का मतलब होता है कि ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब 8:20 होगा तो मिनट की सुई कौन से अंक पर रहती है? आप कहते हैं सर 4 पे। चलो यानी मिनट की सुई यहाँ होगी और घंटा की सुई कहाँ रहेगी? तो घंटा का सुई रहेगा 8 से आगे, क्योंकि 8:20 का मतलब है कि मिनट की सुई जब 20 मिनट चली है तो घंटा 8 से आगे बढ़ा होगा। यानी मान लो यहाँ है घंटा। क्लियर है? अब देखो यही आपसे पूछ रहा है कि जब 8:20 होगा तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना बनेगा। अच्छा, एक सिंपल सी पहले बात बताओ मुझे, अगर एक लाइन यहाँ खींचा हुआ है, मैं पूछूं कि एंगल कितना बना है, तो आप कहेंगे सर 180। तो आप तो पूछे ऊपर से तो आपने कह दिया कि 180, लेकिन क्या नीचे वाला एंगल छुप गया क्या? हाँ, हमने पूछा नहीं है तो छुपा हुआ है, लेकिन यह रियल में छुपा हुआ नहीं है, यह भी 180 बना रहा है। यानी एंगल जब भी कंप्लीट करता है वो 360 को कंप्लीट करता ही करता है। आपको जिधर की ज़रूरत होती है आप उधर का निकाल लेते हैं और दूसरे साइड का छोड़ देते हैं। क्लियर से बात है? अब अगर देखो यहाँ एक एंगल यहाँ तो बन रहा है, मैथ की भाषा में इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाह कोण, या फिर इसको प्रावर्ती कोण भी कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल भी कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल, प्रावर्ती कोण। क्लियर है? पहले समझो 8:20 पर एंगल 2 बन रहा है, हर समय पर एंगल 2 बनता है क्योंकि दोनों साइड से कंप्लीट 360 डिग्री हमें चाहिए। तो हर टाइम पर एंगल 2 बनता है, डिपेंड करता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी एंगल बना है, यहाँ भी एंगल बना है। अब डिपेंड करता है कि अंदर वाला पूछेगा तो अंदर वाला बताएंगे, बाहर वाला पूछेगा तो बाहर वाला बताएंगे। आपको एक चीज़ तो पता है, अंदर वाला और बाहर वाला मिला के 360 होगा ही होगा, ये तो कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर आप बाहर वाला निकाल के बैठे हुए हैं, अंदर वाला पूछ रहा है, तो 360 से घटा के निकाल लो, या अंदर वाला निकाल के बैठे हुए हो बाहर वाला पूछ रहा है तो उसको 360 से घटा के माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको आप रीजनिंग की भाषा में
छोटा कोण भी कहते हैं, कभी कभी इसका नाम बड़ा कोण लिख के भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, ध्यान रखना, यानी इसको छोटा कोण लिखकर रिप्रेजेंट करता है, इसको बड़ा कोण लिखकर रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का छोटा कोण ज्ञात करें, या लिख सकता है कि 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का बड़ा कोण ज्ञात करें, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप हर चीज़ के लिए तैयार रहें। अब एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है, वो देखो, ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन मैंने इसके पहले लिखा है, आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देखें, उसमें इस चीज़ की चर्चा नहीं की गई है कि छोटा कोण निकालना है कि बड़ा कोण निकालना है। उसमें सिर्फ लिखा गया है कि 8:20 पर घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। तो जब घंटे और के सुई के बीच का कोण आपसे पूछा जाए, फिर से दिमाग में बैठा लो इस बात को, जब घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा जाए और वहाँ छोटे कोण और बड़े कोण की चर्चा ना की गई हो, तो ऑलवेज आपको कौन सा फाइंड आउट करना है, छोटा वाला यानी अंदर वाला। क्लियर है, यानी क्वेश्चन में एक क्लियर फाइंड नहीं किया गया है कि छोटा कोण निकालना है कि बड़ा कोण निकालना है, तो आप हमेशा छोटा कोण निकालेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा गया होगा कि 8:20 पर बड़ा कोण निकालें, तो आप बड़ा कोण निकालेंगे। क्लियर है, इस चीज़ आपके ध्यान में रहेगा। चलिए अब देखो, सबसे पहले हम ट्रिक तो यूज करेंगे ही करेंगे, फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी अगर हम कहें कि घड़ी जो बना हुआ है, इस घड़ी के बेस पर एंगल निकाल के बताओ ना कि एंगल कितना बन रहा है, यानी बिल्कुल बेसिक से जीरो से मैं बता रहा हूँ आप चीज़ को, 8:20 पर आपको कितना एंगल बन रहा है आप मुझे ऐसे बता दो घड़ी बना के। ट्रिक छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी बाद में पढ़ेंगे, इस पे एंगल कितना बन रहा है। तो देखो, आपको एंगल यहां से यहां का निकालना है। क्लियर है, इस सुई से इस सुई का एंगल निकालना है। तो कंसेप्ट क्या कह रहा है, आप 4 से लेकर 8 तक का एंगल निकाल दो। सिंपल सी बात है, जब 8 बज रहा होगा तो घंटे की सुई इस पर होगी और मिनट की सुई इस पर होगी, लेकिन जब 8:20 हुआ है तो मिनट की सुई चलकर यहां पहुंच गई है और घंटा चलकर यहां पहुंच गया है, यही ना हुआ होगा। तो कह रहा है कि इतना आप मुझे बता दो कि इतना का एंगल कितना बना होगा, 8:20 पर एंगल कितना बना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ 4 से 8 तक का एंगल निकाल लो, यहाँ तक निकल जाएगा, और जितना ये आगे बढ़ा होगा उसको जोड़ दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कैसे निकलता है, आपको पता है कि बड़े ब्लॉक का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कितना ब्लॉक है, 1, 2, 3, 4, तो एक ब्लॉक में 30 डिग्री, तो 4 ब्लॉक में 120 डिग्री। सिंपल सी बात है, अब बताओ यहां तक तो निकल गया 120, अब कितना आगे बढ़ा है। तो आप मुझे बताइए कि जब 8 बज रहा था तो इस तरफ पोजीशन था, जब मिनट की सुई 20 मिनट चली होगी तो घंटा कितना आगे बढ़ा होगा। आपको पता है कि जितना मिनट मिनट का सुई चलता है उसका आधा कौन चलता है, घंटा चलता है, यानी 20 मिनट में घंटा कितना आगे बढ़ा होगा, 10 डिग्री, यानी आंसर कितना, 130 डिग्री। क्लियर है, तो ये तरीका आपका हुआ बेसिक, यानी घड़ी बना के भी एंगल आप निकाल सकते हैं। एक टाइम मैं और ले रहा हूँ, उसको भी देख लो। मान लो कि यही क्वेश्चन 9:25 का आ जाए, ये तरीका होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और देखना इसको, इससे पहले एक चीज़ और देखो, 8:20 का हमारा जो आंसर आया है, इसको मैं यही बता दे रहा हूँ, 8:20 का जो आंसर हमारा आया है 130 डिग्री, ये कोण कौन सा है, बड़ा कोण है कि छोटा कोण है, बड़ा कोण है कि छोटा कोण है, छोटा कोण है। क्यों, याद रखना छोटे कोण का मान हमेशा 180 से कम आता है, यानी 180 से बिलो रहता है, कौन सा, छोटे कोण का मान, और बड़े कोण का मान हमेशा 180 से ज़्यादा आता है। ये जो मान हमारा आया है, ये आया है स्मॉल एंगल का, स्मॉल एंगल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 8:20 पर बड़े कोण का मान दिखा दो, तो आपको पता है कि दोनों कोण जोड़ने पर 360 ही आएगा, तो आप 360 में से 130 घटा देना, आपका आंसर बन के आ जाएगा 230 डिग्री, यानी आपका क्या हो गया, बिग एंगल हो गया, बड़ा कोण हो गया, वो आपका क्या हो गया, छोटा कोण हो गया। तो जो आपके एग्जाम में जैसे पूछेगा वैसे आपको निकाल के रख देना है। क्लियर है, अब चलो अगर 9:25 हो जाए तो 9:25 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये 9:25 है, इसका एंगल आपको निकालना है। क्लियर है, तो देखो क्या करना है, 5 से लेकर पहले 9 तक का निकाल दो और जितना इससे आगे बढ़ा उसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कितना ब्लॉक, 1, 2, 3, 4, तो 4 ब्लॉक बराबर
120 डिग्री, और कितना आगे बढ़ा है, तो मिनट का स्वीप 25 मिनट चला है, तो 25 मिनट का आधा कितना होता है, 12.5 डिग्री, जोड़ दिए यानी 132.5 डिग्री आपका आंसर आ गया। ये छोटे कोण का मान आ गया, बड़े कोण का मान 360 से घटा लो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका तरीका हो गया बेसिक कंसेप्ट का, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, यानी आपको घड़ी बनाना पड़ेगा तब बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा आपको लेंदी हो जाएगा, उतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो 5 सेकंड में करना है, तो 5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो इसकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है कि जो भी टाइम आपका दिया रहेगा, यानी 8:20 पर ही बता रहा हूँ मैं सारा क्वेश्चन, ये आपका घंटा रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 into hour, यानी जो भी समय दिया रहेगा उसमें 30 से घंटे को मल्टीप्लाई कर देना और मिनट को करना 11/2 से, 11/2 into मिनट। क्लियर? अब देखो ये जो फॉर्मूला मैं लाया हूँ ये कहाँ से आया है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो पहले फॉर्मूला आया कहाँ से ये तो समझ लो। आप 30 से घंटे में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक घंटा ब्लॉक जो होता है वो 30 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, यानी घंटे की सुई जो है वो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। 11/2 कहाँ से आया है, 11/2 को हम मिनट से मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं ये कहाँ से आया है, इसको देखना है। तो भैया समझो, इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, 5.5 डिग्री, यानी 5.5 डिग्री लो या कुछ भी लो, 5.5 × 10 = 11/2, तो 5.5 कहाँ से आ रहा है, थोड़ा समझो यहाँ, मैं कंसेप्ट को क्लियर करता चल रहा हूँ, फॉर्मूले को भी कि कहाँ से आ रहा है। देखो मान लो ये 12 पर है, क्लियर है, दोनों सुई 12 पर है, और थोड़ा समझना, जब मिनट की सुई यहाँ से चलकर यहाँ जाएगी तो कितना मिनट हुआ, 1 मिनट, और डिग्री कितना चल गई, 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में आपको पता है कि मिनट की सुई कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो जब 1 मिनट मिनट का सुई चलता है तो घंटा कितना बढ़ता है, तो आप कहते हैं सर 1/2 डिग्री, क्योंकि जितना मिनट मिनट का सुई चलेगा उसका आधा तो कौन बढ़ेगा, घंटा बढ़ेगा। तो जब मिनट 6 डिग्री चलती है तो घंटा कितना आगे बढ़ता है, 1/2 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है, 5.5 डिग्री होता है या नहीं होता है। अब देखो आगे एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब ये मिनट की सुई यहाँ से चलकर यहाँ बढ़ती है तब कितना मिनट हो गया, 2 मिनट, और 2 मिनट बराबर 12 डिग्री, और इस 12 डिग्री में यानी 2 मिनट में घंटा कितना आगे बढ़ेगा, 1 डिग्री। तो देखो 5.5 का जो गैप है, 6 में आधा 1 में 12, यानी ध्यान रखना, एक बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, मिनट की सुई जितना आगे बढ़ती है घंटे की सुई से उसका दूरी जो है वो 5.5 डिग्री 5.5 डिग्री 5.5 डिग्री बढ़ता जाता है, ये ध्यान रखना है। यानी मिनट चला 6 डिग्री तो ये चला 1/2 डिग्री, जब मिनट चला 12 डिग्री तो ये चला 1 डिग्री, यानी 1/5 बढ़ गया। तो ऐसे ही जब मिनट चलेगा यहाँ आ जाएगा तो फिर आप 5.5 बढ़ जाएगा, यानी मिनट की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है और घंटे की सुई पीछे पीछे जाती है तो उनका डिस्टेंस जो है 5.5 डिग्री 5.5 डिग्री बढ़ता जाता है हमेशा। क्लियर है? तो इस यहीं से आपका इस्तेमाल हुआ है 11/2 का फॉर्मूला। तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा और ना ही कोई आपके क्वेश्चन इंटरव्यू में आएगा कि कैसे 11/2 का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो क्यों नहीं आएगा, इसका रीज़न आपके एग्जाम में फॉर्मूला या इंटरव्यू में क्यों नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि देखो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एंगल को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई अगर एक तरीका फिक्स होता तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता था, लेकिन एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, यहाँ आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, आपको मतलब है कि ऐसा ट्रिक मिल जाए, ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आपका फोकस भी उसी पर होना चाहिए। क्लियर है? तो चलो अब हम इस घड़ी को मिटाते हैं, क्योंकि घड़ी की आवश्यकता वहाँ में नहीं है, क्योंकि हमें जो एंगल निकालना सीखना है वो घड़ी पे नहीं सिखाना है, कहाँ सीखना है, फॉर्मूला पर सीखना है। तो चलो यहाँ लगते हैं बीच में फॉर्मूला, टाइम आपके पास है 8:20, 30 × 8 यानी घंटा को 30 से मल्टीप्लाई करना है 240, मिनट को करना है 11/2 से, तो 11/2 × मिनट कितना है, 20, 110 डिग्री। अब देखो क्या करना है, बड़ा में से छोटा घटा लेना,
बड़ा में से छोटा घटा लेना, जरूरी नहीं है कि बड़ा ऊपर ही होगा, बड़ा नीचे भी हो सकता है, और एंगल माइनस में तो आता नहीं है, टेंशन मत लेना। तो आपको हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना है, बड़ा नीचे हो या ऊपर हो डिपेंड नहीं करता है, क्लियर। घटाओगे तो कितना आएगा, 240 में से 110, 130 डिग्री, 130 आपका आया था नहीं आया था, बिल्कुल आया था, क्लियर है। तो ये आपका कौन सा कोण आया, छोटा कोण आ गया। तो आपके क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि कौन सा कोण निकालना है, तो हमेशा छोटा कोण निकाल लेना, क्लियर। अब देखो निकालते समय यदि कोण का मान 180 से ज्यादा आ जाए तो 360 से घटाओ, क्लियर है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, आप जो कोण निकाल रहे थे छोटा कोण निकाल रहे थे, क्योंकि एग्जाम में आपके नहीं पूछा हुआ है बड़ा या छोटा, तो अगर आपका 180 से कम आ रहा है तब तो आंसर भी हो जाएगा, लेकिन अगर कोण का मान 180 से ज़्यादा आ जा रहा है यहाँ पे, तो उसको 360 से फिर घटा देना, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, उसको भी देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, आप कह रहे हैं 2:50, तो 30 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, आ गया 60 डिग्री, और 11/2 से आपने कर दिया 50 को, ये आ गया 25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 275, घटाओगे बड़ा में से छोटा तो आएगा 215, क्योंकि 2:50 पे नहीं बोला था कि बड़ा कोण निकालना है, तो आप निकाल रहे थे छोटा कोण, तो छोटे कोण का मान हमेशा 180 से कम आता है, लेकिन ये आ गया 180 से ज़्यादा, तो आप इसको फिर क्या करोगे, 360 - 215, तो आ गया 145 डिग्री, ये आपका आंसर आएगा, क्लियर। तो बस ध्यान रखना एग्जाम में कि बड़ा पूछा कि छोटा पूछा कि कुछ भी नहीं पूछा है, तो बड़ा छोटा पूछे तो बड़ा छोटा निकालना, और कुछ भी ना पूछे तो छोटा को निकालते जाना, क्लियर है। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ऐसा चीज है कि आपका हर चीज कंप्लीट कर देगा। जैसे मान लो ये दिया है 11 बजे कोण कितना बनेगा, तो थोड़ा ध्यान दो, हम कर रहे हैं 13 × 11 कितना हो जाएगा, 330 आएगा ना, बिल्कुल फॉर्मूले से कर रहा हूँ मैं। मिनट है 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी 330 डिग्री आ गया। तो 330 डिग्री आ गया, तो हमारा बड़ा कोण आ गया ना, हमें तो छोटा कोण निकालना है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 360 - 330 कितना, 30 डिग्री, क्लियर है। बस आसानी से आपके हो जाएगा क्या, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अगर क्वेश्चन मान लो दे दिए कि 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो पहले सिंपल सी बात है ना, 4 बजे का लुक क्या होता है, देखो यहाँ फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। आप अगर कॉमन सेंस इस्तेमाल अपना करते हैं तो 4 बजे का लुक क्या होता है, यही ना होता है, ठीक है। अगर 5 बजे पूछे, 6 बजे पूछे, 10 बजे पूछे, कुछ भी पूछे, तो 4 बजे का लुक तो यही होता है। तो यहाँ आपको फॉर्मूला लगाने की क्या हो सकता है, 4 बजे कितना बनेगा, तो आपको पता है कि 4 बजे का टाइम का लुक तो यही होता है। 4 घंटे का मान पूछ रहा है मान लो, तो 1 घंटे का मान 30 डिग्री, तो 4 का मान 120 डिग्री, निकालने की आवश्यकता भी नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाओगे तो आंसर वहीं आएगा, ऐसे भी आपका आंसर वहीं आ रहा है। अगर पूछ रहा है कि बताओ 7 बजे कि 7 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण कितना बनेगा, तो देखो 7 बजे का मतलब होता है 7 ब्लॉक की बात कर रहा है, तो 30 × 7 210 डिग्री, क्योंकि मान 180 से ज़्यादा है तो 360 से फिर घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका हो जाएगा 150 डिग्री, बड़ा कोण भी निकल गया, छोटा कोण भी निकल गया। तो अगर बिल्कुल फ्लैट टाइम पूछा हुआ है तब तो आपको फॉर्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो भी टाइम फ्लैट पूछेगा, मिनट की सुई हमेशा 12 पर रहेगी और घंटे का सुई घूमता रहेगा, तो घंटे की सुई अगर घूम रही है तो ब्लॉक जैसे 30 डिग्री का एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और है जो आपको कन्फ्यूज इसमें कर सकता है, वो क्या है देखो, अब अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए
12:20 या फिर क्वेश्चन दे दे पूरा 12 बजे, ऐसा क्वेश्चन दे दे तो फिर क्या करना है। तो देखो 12:20 का जो क्वेश्चन पूछेगा कि 12:20 पर कोण कितना बनेगा, तो आप तो अगर फॉर्मूला लगाते हो तो वही होगा ना, 360 11/2 × 20, ठीक है, तो आएगा 110। माइनस करोगे बड़ा मुझसे छोटा आएगा 250। 250 से क्या हो गया, बड़ा कोण हो गया, छोटा कोण निकालना है तो 360 माइनस 250 फिर से क्या आ जाएगा 110 डिग्री आएगा। अब देखो मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, इस टाइम को क्यों बता रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन 12:00 का पूछेगा तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घड़ी में जब भी 12:00 होता है, पहले एक घड़ी आती थी ब्लिंक करने वाली जिसको आप लोग लैंग्वेज में कहते थे भुकभुकिया घड़ी, याद है, या आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर कभी जाना तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखना, जब भी 12:00 होता है तो घंटे वाली जगह पर कभी भी 12 नहीं लिखा होता है, वहाँ हमेशा 000 लिखा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना घड़ी में जहाँ भी घंटे वाले जगह पे 12 लिखा होगा वहाँ मान हमेशा क्या पुट कर देना, 0। तो अगर आप 30 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे घंटे से तो 0 ही आएगा। तो इसी सेंस में बता रहा हूँ कि जब भी 12:00 क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप घंटे को सॉल्व करना ही मत, इग्नोर कर देना, सिर्फ आप किसको सॉल्व कर लेना, मिनट को, 11/2 × 20 सीधे आपका आंसर आपको दे देगा 110 डिग्री। क्लियर है, जब भी एग्जाम में 12:00 क्वेश्चन आएगा तो आपको यही ध्यान रखना है कि घंटे वाले जगह पर 0 रखेंगे, 0 को अगर 30 से मल्टीप्लाई भी करते हो तो मान 0 ही देगा, तो उसका वैल्यू ही खत्म हो गया, इसलिए सिर्फ मिनट को सॉल्व कर लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो यहाँ 12 बज रहा है, आपको पता है कि जब 12 बजता है तो दोनों सुई तो एक साथ होती हैं, इसका कंडीशन भी पढ़ने वाले आगे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब होती हैं, जब 12 बजता है तो घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, और जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं तो क्या वहाँ कुछ एंगल क्रिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हुई है, तो 12 बजने का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। अगर आपको इस चीज़ को प्रूफ करना है तो कर लो, 12 × 30 360 आ गया, लेकिन आप इसको करोगे क्यों, मैंने पहले ही कहा ना कि जब 12 बजता है तो यहाँ क्या होता है, घंटे वाली जगह पर 0 0, तो आप अगर 12:30 को 0 से मल्टीप्लाई भी करते हो तो आंसर कितना आएगा, 0 0 आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे एंगल निकालने का, कोई भी टाइम पूछेगा, मैंने सारा आपको बता दिया, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक क्वेश्चन और है जो अगर आपको पूछता है तो आपको परेशानी हो सकती है, उस क्वेश्चन को देखो थोड़ा कैसा है। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे रहा है कि 7:46.4/11 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो पहले समझो ना कि 46.4/11 कौन सा टाइम होता है, यानी 7:46.4/11 एक टाइम कौन सा होता है, तो मुझे पता ही नहीं है, तो सबसे पहले टाइम पे फोकस करना है कि 7:46.4/11 ये कौन सा टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम देखो, जैसे मान लो ये घड़ी है, ये 45 मिनट है, यानी 9 होता है 45 मिनट, ये 50 मिनट है, ये 55 मिनट है, तो 7:46.4/11 का मतलब होता है कि देखो सुई जो है 46 मिनट और 47 मिनट के बीच में कहीं होगी, मतलब यही हुआ ना, अगर ये 46.4/11 से आगे बढ़ गया होता तो 47 मिनट हो गया होता, लेकिन ये कह रहा है कि 7:46.4/11 पर एंगल कितना बनेगा। देखो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं करना है, यानी ये जो क्वेश्चन पूछा है इस शेप का पूछा है, एंगल कितना बनेगा, तो देखो फॉर्मूला वही लगाना है, 30 × 7 210 डिग्री, 11/2 × मिनट से मल्टीप्लाई करना है, तो मिनट को तोड़ दो पहले, तो 46 6 6 4 10 5 6 4 510/11 देखो कितना सिंपल हो गया, ये तोड़ोगे तो 2 × 4 2 5 10 2 5 10 बड़ा उनसे छोटा घटाओगे कितना आएगा, 45 डिग्री हो गया आंसर, यानी 7:46.4/11 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है, बड़ा में से मैंने छोटे को घटा दिया, इसको तोड़ोगे 2 × 4 2 5 10 2 5 10 यानी आप उसको तोड़ो, फॉर्मूला जो मैंने बता दिया, सारे जितने भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे
उन सब में यही फॉर्मूला लगेगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो किसी भी समय पे आप एंगल कैसे निकालेंगे ये आपके सामने बनकर तैयार हो गया है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं जो अगला क्लास करूँगा, क्लास आपको जो अगला मिलेगा उसमें मैं बताऊँगा कि अभी जो मैंने बताया कि टाइम दिया रहेगा एंगल निकालना है, लेकिन वहाँ आपको बताया जाएगा कि जब एंगल दिया रहेगा उससे टाइम कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, इस चीज़ को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिए कि जो लोग घर बैठे हुए हैं उनको ये वीडियो निश्चित तौर पर मिलता रहे और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड बाय।